नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार राठौर। उदय इंडिया डिजिटल में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल एक बॉलीवुड मूवी बहुत चर्चा में है, फाइटर नाम है उसकी। अब मैंने तो ये मूवी देखा नहीं है, लेकिन जैसा रिपोर्ट्स बताते हैं यह फिल्म भारत के बालाकोट स्ट्राइक पर बेस्ड है। कैसे? भारतीय एयरफोर्स के जांबाज पायलट्स ने पाकिस्तान के भीतर घुस के जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूत किया, खत्म किया। उसी हमले के बाद भारत की सर्जिकल स्ट्राइक भी आपको याद ही होगी। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि कैसे भारत ने अपने मिसाइल पाकिस्तान की ओर तैनात कर दिए थे। अगर वो अभिनंदन वर्तमान को रिटर्न नहीं करता, जो बालाकोट स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान में फंस गए थे और जिस रात को प्रधानमंत्री मोदी ने कतली की रात कहा था, कैसे पाकिस्तान प्रधानमंत्री की गिदगी बांध गई थी और वो भाग भाग भारतीय राजदूत तो और अन्य देशों की राजदूतों से मदद मांगने को पहुंच गया था। अब सोच रहे होंगे कि आपको ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ। इन चीज़ों का बताने के पीछे एक बहुत बड़ी कारण है, यह आपको ये बताने के लिए कि 2014 के बाद भारत में क्या बदला है। आज राहुल गांधी हर जगह हर सभा में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक कायर प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को जवाब नहीं दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी चीन को जवाब नहीं दे सकते। तो यह जो मैंने अभी आपको बताई, एक वानगीवर्ती और कैसे एक सक्षम प्रधानमंत्री के रहने से देश बदलता है, ये पता चलता है। लेकिन आज मैं आपको एक और ऐसे घटना के बारे में बता रहा हूँ जिसे जानने के बाद आप कांग्रेसी नेताओं के मुंह पर थूक देंगे आप। और ये कहानी है भारतीय नौसेना के कमांडर जैक सो की। कमांडर जैक सो 1965 की लड़ाई में बेहद बहादुरी से लड़ाई लड़े और 1965 के पहले वो कराची में भारतीय दूतावास ने नेवल अटैची के तौर पर वहां तैनात। कमांडर जैक सो ने पाकिस्तान में बहुत बड़े जासूसों का एक नेटवर्क बना रखा था और अपने जासूसों की मदद से उन्होंने भारतीय सेना की काफी मदद की। और जब युद्ध छिड़ी तब उन्होंने सभी जासूसों को पाकिस्तान से भगाने में काफी मदद किया। युद्ध खत्म होने का 3 महीने के बाद उन्हें फिर से कराची के भारतीय दूतावास में नेवल अटैची के पद पर तैनात कर दिया गया है। और फिर 26 जनवरी 1966 को गणतंत्र दिवस के मौके पर कराची के भारतीय दूतावास में एक शानदार रंगारंग समारोह आयोजित किया गया था। बहुत सारे देशी विदेशी पाकिस्तानी और दूसरे देशों के मेहमान भारतीय दूतावास में एकजुट थे। अचानक कोई ऐसा चीज गिरने का तेज आवाज आई और जब सारे मेहमान भाग कर गए तो उन्होंने देखा कि नेवल अटैची कमांडर जैक सो बेहद बुरी हालत में मरणासन्न गिरे हुए हैं। दरअसल उनको किसी ने तीसरे मंजिल से नीचे फेंक दिया था और आनन फानन में उन्हें कराची के एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, जहां पता चला कि उनके शरीर की एक भी हड्डी सलामत नहीं है। एक लंबी इलाज के बाद जब वो बयान देने की स्थिति में आए तब उन्होंने बताया कि 15 से ज़्यादा नकाबपोश आए जो पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के लोग थे और उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया, उन्हें मारा और उनको हत्या करने की नीयत से उन्हें नीचे फेंक दिया गया। कमोडोर जैक सो जब थोड़ी ठीक हुए
तब उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में उनका लंबा समय तक इलाज चला। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उनके शरीर पर 26 फ्रैक्चर थे, लेकिन इतनी भीषण घटना के बावजूद भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार, जिसे कांग्रेसी दुर्गा का अवतार कहते हैं, वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एकदम खामोशी रही। जबकि यह सीधे सीधे वियना समझौते और जेनेवा समझौते का उल्लंघन था, जिसमें किसी भी दूतावास के कर्मचारी को, वह भी मिलिट्री अटैच, की हत्या की कोशिश करना एक बेहद गंभीर अपराध है। यहां तक कि उस वक्त की कांग्रेस की, केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी नहीं उठाया। उस पार्टी में कॉमोडोर जेक्सो की बेटी डेबोरा एन शो भी मौजूद थे, और वो खुद अपने मरणासन ने पिता को लेकर हॉस्पिटल गई थी। उन्होंने इस पूरी घटना का वर्णन अपने किताब एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान में लिखा है। अब आप ये बताइए, मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा हूँ, पर 2004 से 14 के बीच कितने ही आतंकी हमले हुए इस देश में। करीब 560 जान गई, ऑफिशियल आंकड़ा है ये, अनऑफिशियल तो पता नहीं कितना है। लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान को डोजियर भेजने के अलावा क्या काम किया, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो घटना मैंने आज आपको बताई, ये तो इंदिरा गांधी की कार्यकाल का है, जिनको कांग्रेसी इतिहास का सबसे बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री बताई आई है। अब फैसला आपको करना है कि भारत को कैसी सरकार चाहिए, मौके पर अपने लोगों का साथ छोड़ देने वाली, या फिर एक ऐसे सरकार जिसके कहने पर दो दुश्मन देश अपने लड़ाई रोककर आपके बच्चों के लिए रास्ता दे देते हैं। फैसला आपकी है, आखिर जीवन आपका है, सोचने का विषय है, मुद्दा गंभीर है। मैं सोचूंगा कि 2026 का इलेक्शन आने वाला है, नए वोटर्स भी बने हैं, तो जब आप अपना जनमत, इलेक्टोरल जो राइट है आपका डेमोक्रेसी में, वो जब एक्सरसाइज करने जाएं, उससे पहले आप सोच के जाएं कि हमको हमारे देश की निरापत्ता के लिए, हमारा खुफिया एजेंसी के लिए भारत की सरकार कैसे होने चाहिए। और ऐसे बातें, ऐसे खबरें जानने के लिए आपको उदय इंडिया से जुड़े रहना पड़ेगा, उदय इंडिया को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। भारत माता की जय।